ग्वालियर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सीएम ने ग्वालियर में 30 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना की रोकथाम और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने मंथन किया और अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने आह्वान किया कि संकट की घड़ी में सभी तरह के मतभेद भुलाकर कोरोना योद्धा बने और कोरोना उन्मूलन में सहभागी बने। आज हमने ग्वालियर में जो निर्माणाधीन अस्पताल है उसमें तेजी से काम पूरा करके 500 बिस्तर 570 बिस्तर आप पे काम करवाई में भोपाल के, ताकि हमारे उतने बिस्तर में तैयार हो सके, इस संकट से निपटने में काम आ सके। ग्वालियर सहित अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये पूरे दोनों संभाग के हमारे जिले, हम ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाएंगे, हम आईसीयू बेड भी बढ़ाएंगे, हर जिले का प्लान लगभग तैयार है हमारे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर के प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर, विश्वास सारंग समेत बीजेपी के कई बड़े नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक में सभी ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और कोरोना से निपटने की रणनीति पर मंथन किया। साथ ही तीसरी लहर से निपटने के लिए भी बैठक में रणनीति बनाई गयी। दृष्टि से बच्चों का भी भर्ती करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए और उनका ठीक प्रकार से इलाज हो सके, इसकी व्यवस्था करना। ग्वालियर में जो हमारा 1000 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा था, उस बिल्डिंग का एक हाथ कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। उसमें 570 बिस्तर का एक अस्पताल एक तौर से बन जाए, उसके लिए मेन पावर, उपकरण, ये सब आज निर्णय हुए हैं। ग्वालियर पूर्व और डबरा से कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष मीटिंग में कहा कि आयुष्मान भारत योजना में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, जो अस्पताल अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा किया जाए। साथ ही विधायकों ने गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। मैंने उन्होंने सभी को अवगत कराया कि आप सभी ने 100 बिस्तर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया, वो 100 बिस्तर हॉस्पिटल बनने की बजाय वहाँ खंडहर पड़ा हुआ है कि वहाँ अभी सिर्फ काम के नाम पर 2 गड्ढे खोदे हैं। देखना होगा कि सीएम के इन आदेशों का धरातल पर कब तक और कितना असर दिखता है। ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद ही सख्त नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से सख्त लहजे में कह दिया है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जो भी ठोस कदम उठाने चाहिए उन्हें जल्दी क्रियान्वित किया जाए। साथ ही कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, इसको लेकर नए वार्ड और नए बेड जोड़ने की बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चर्चा हुई वो थी तीसरी लहर को कैसे रोका जाए। इसके लिए सीएम ने ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी इलाकों के तमाम जनप्रतिनिधियों, पूर्व विधायकों और अधिकारियों से इसका खाका तैयार करने के लिए कहा है और जल्द ही उसे क्रियान्वित करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की इस बैठक के बाद कोरोना का संक्रमण कितनी जल्दी काबू किया जा सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।